नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेबी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रंजीत सिंह और अपने करेंगे इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की जो क्लासें हैं अपने रेगुलर रहने वाली हैं, जो आपके रीट, राजस्थान पुलिस और पटवार में काफ़ी वेटेज के साथ ये पोर्शन रहने वाला है। पहला ही टॉपिक अपने शुरू करेंगे जिसका अपने नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है अपने? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है। इस टॉपिक का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि अपने एक नदी निकलती है उत्तर पश्चिम से जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है उस नदी का? सिंधु नदी है जो अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, रावी, सतलज, झेलम, ब्यास, द्वजवती, चिनाब, इस तरह से इसकी सहायक नदियां हैं। और बताया जाता है कि अपने पूर्वजों ने सबसे पहले इसी नदी घाटी के आसपास रहना क्या किया, शुरू किया। यहां पर इस नदी घाटी के आसपास हमारे पूर्वजों ने रहना शुरू किया। विश्व के किसी भी कोने में यदि कोई सभ्यता पनपी है, यदि किसी सभ्यता का जन्म हुआ है तो वो नदी घाटी के आसपास हुआ है। वजह ये कि यहाँ पर पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध है और खाने के लिए खाद्यान्न भी कम मेहनत पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नदियों के आसपास की जो भूमि है वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। और इन सहायक नदियों की वजह से जो प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी थी। और यहीं पर सबसे पहले इसी बेल्ट में संयोगवश सबसे पहले क्या हुआ? उत्खनन हुआ। और इस टॉपिक का नाम क्या रखा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम रखा गया इसका? सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है। नेक्स्ट अपने करने जा रहे हैं इसका नामकरण, यानी कि इसको कितने नामों से जाना जाता है। नामकरण, इसको तीन नामों से इसको जाना जाता है, इस सभ्यता को, इस टॉपिक को, जैसे कि नंबर एक सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर एक नाम क्या मिलता है इसका? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा जो इसका नाम है वो है सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम इसका सिंधु सभ्यता। और तीसरा जो इसका नाम है उसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तीन नामों से इनको जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता। तीनों पर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने से पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रचलित नाम कौन सा है। प्रचलित, सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। आगे क्वेश्चन बनता है कि ये सिंधु सभ्यता नाम है वो किसने दिया है, तो सिंधु सभ्यता नाम दिया है जॉन, सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है, जॉन मार्शल ने दिया है। और कब दिया है, तो 1924 में। कब दिया है? 1924 में दिया है। और हड़प्पा सभ्यता जो नाम है, एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, तो वर्तमान में इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। वर्तमान में क्या कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता। सर्वाधिक प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता है। जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया है? सिंधु सभ्यता। कब दिया है, तो 1924 में दिया है। और वर्तमान में क्या कहते हैं इसको? तो वर्तमान में इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इन तीनों नामों में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो नाम है अपने पास वो क्या है? ये वाला नाम, सिंधु सभ्यता। इन तीनों नामों में से जो अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है वो कौन सा है अपने पास? सिंधु सभ्यता जो नाम है वो किसने दिया है? वो दिया है किसने? जॉन मार्शल ने दिया है। किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया है। और कब दिया है, तो कब दिया है? 1924 में दिया है। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित नाम इसका कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु अपने को ध्यान रखना है कि जॉन मार्शल ने क्या कहा है, तो जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया इसको? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है। जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया इसको? सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया है।
इस फील्ड में जो सबसे पहले घटना घटित हुई है वो कब है? 1826 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था उनका? चार्ल्स मैसन उनका नाम था, और उन्होंने एक टीले की ओर संकेत किया। कहने का मतलब उन्होंने एक समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ भूभाग था उसकी ओर संकेत किया, और उन्होंने बताया कि इस ओर कुछ है। कब की बात कर रहे हैं अपने? 1826 की बात कर रहे हैं, परंतु इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आगे बात करते हैं अपने कब की? 1856। 1856 में दो भाई थे, विलियम व जॉन बंटन। एक का नाम था विलियम बंटन और एक का नाम क्या था? जॉन बंटन। ये दोनों के दोनों रेलवे ठेकेदार थे। ये दोनों कौन थे? रेलवे ठेकेदार थे, और इन्होंने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का ठेका लिया। लाहौर से कराची या मुल्तान, लाहौर से कराची भी बोल देते हैं और लाहौर से क्या कह देते हैं? मुल्तान भी कह देते हैं। लाहौर से कराची या मुल्तान के मध्य इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का क्या लिया? ठेका लिया। और इस रेलवे लाइन को मजबूत करने के लिए, इस रेलवे लाइन के नीचे की जमीन को मजबूत करने के लिए इन्होंने किसका प्रयोग किया? ईंटों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? ईंटों का प्रयोग किया। और वो ईंटें ये कहां से लेकर आए? वो ईंटें लेकर आए इस टीले से। किसका प्रयोग किया इन्होंने? ईंटों का प्रयोग किया है, और वो ईंटें कहां से लेकर आए? इस टीले से। और इस टीले का नाम क्या था? हड़प्पा टीला। इस टीले को क्या कहा गया है? हड़प्पा टीला कहा गया। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा टीले की सारी ईंटों को निकालकर कहां लगा दिया? लाहौर से कराची के मध्य या लाहौर से मुल्तान के मध्य जो रेलवे लाइन बिछाई है इसके नीचे लगा दिया। और हड़प्पा जो टीला है वो पूरी तरह से क्या हो गया? तहस नहस हो गया। हड़प्पा टीला पूरी तरह से क्या हो गया? तहस नहस हो गया। इसे अपने आगे बढ़ेंगे, परंतु यहां तक जो भी अपनों ने पढ़ा है, यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है? ये है कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है? तो सिंधु सभ्यता नाम दिया है किसने? जॉन मार्शल ने दिया है। और जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम कब दिया है? तो 1924 में दिया है। कब दिया है? 1924 में दिया है। आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद 1861, कब की बात कर रहे हैं अपने? 1861 की बात कर रहे हैं, और 1861 में स्थापना होती है भारतीय पुरातत्व विभाग की। भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। और भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर, प्रथम जनरल डायरेक्टर, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पहले जनरल डायरेक्टर थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसी वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमें यहां पर ध्यान रखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे? तो पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इसीलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद देखिए
1921, कब की बात कर रहे हैं अपने, 1921 की बात कर रहे हैं। उन्नीस सौ इक्कीस में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। और उन्होंने एक साइट को खोजा, और किसको, हड़प्पा को। 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, हड़प्पा की खोज की। और इसके जस्ट एक साल बाद 1922 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राखलदास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, हड़प्पा की। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की है, तो किसकी खोज की है, मोहनजोदड़ो। किसकी खोज की, मोहनजोदड़ो की। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि 1921 में दयाराम साहनी ने किसको खोजा, हड़प्पा को खोजा। 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसको खोजा, मोहनजोदड़ो को खोजा। या हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की है, राखलदास बनर्जी ने की है। किसने की है, राखलदास बनर्जी ने की है। अब आगे बात करते हैं कि ये दोनों राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, अच्छी बात है कि दयाराम साहनी ने खोज की हड़प्पा की, राखलदास बनर्जी ने खोज की मोहनजोदड़ो की। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों किसके डायरेक्शन में काम कर रहे थे, किसके निर्देशन में काम कर रहे थे, किसके निर्देशन में काम कर रहे थे, तो उस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जो हैं, वो जॉन मार्शल के डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। क्यों, क्योंकि जॉन मार्शल इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या था, जनरल डायरेक्टर था। और जॉन मार्शल ने क्या किया 1924 में, कब की बात कर रहे हैं अपने, 1924 की बात कर रहे हैं। और 1924 में कहां, लंदन वीकली पत्रिका, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी किसके डायरेक्शन में काम कर रहे थे, जॉन मार्शल के काम डायरेक्शन में काम कर रहे थे। और जॉन मार्शल ने 1924 में कहां पर, लंदन वीकली पत्रिका में, किसकी, सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा की, विधिवत घोषणा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की है, सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की है, तो सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की है, जॉन मार्शल ने की है। किसने की है, जॉन मार्शल ने की है। सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा किसने की है, जॉन मार्शल ने की है। या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले किसने दिया, तो सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले दिया है किसने, जॉन मार्शल ने दिया है। किसने दिया है, जॉन मार्शल ने दिया है। सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा करने वाला व्यक्ति भी कौन था, जॉन मार्शल था। और सिंधु सभ्यता नाम देने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यह भी कौन था, जॉन मार्शल था। कब, 1924 में। और कहां पर, तो लंदन वीकली नामक पत्रिका में। कहां की बात कर रहे हैं, लंदन वीकली नामक पत्रिका की बात कर रहे हैं। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा कर दी, और जॉन मार्शल ने इस फील्ड के लिए सबसे पहले जो नाम यूज किया है वो कौन सा यूज किया, सिंधु सभ्यता नाम इसने सबसे पहले क्या किया है, प्रयोग में लिया है। अब आगे अपने बात करते हैं कि आज अपनी क्लास को कहां ले गए, 2020 से उठाकर कहां ले गए अपनी क्लास को, यानी कि जिन लोगों के बारे में अपने पढ़ रहे हैं वो लोग कितने पुराने हैं, यानी कि इनका समय क्या था, इनका समय। समय में नंबर एक जॉन मार्शल,
जॉन मार्शल ने इसका समय बताया है 3250 से 2750 बीसी। जॉन मार्शल ने इसका टाइम पीरियड क्या बताया है, 3250 से 2750 बीसी। दूसरा नाम आता है डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका टाइम पीरियड बताया है 2300 बीसी से 1750 बीसी। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका टाइम पीरियड क्या बताया है, 2300 बीसी से 1750 बीसी बताया है। और यही अपने को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइम पीरियड है वो अपने पास यही है जो किसने दिया है, डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने दिया है। और क्या बताया है, 2300 बीसी से 1750 बीसी बताया है। और किस आधार पर इसने ये बताया है, तो C14 रेडियो कार्बन पद्धति। C14 रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने डिसाइड किया कि इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, 2300 बीसी से 1750 बीसी। क्या टाइम पीरियड बताया उन्होंने, 2300 बीसी से 1750 बीसी इसका टाइम पीरियड बताया। और याद रखना है किस आधार पर, तो C14 रेडियो कार्बन पद्धति। ये कार्बन डेटिंग टेक्निक भी कहते हैं इसको, C14 रेडियो कार्बन पद्धति को क्या, कार्बन डेटिंग पर, यानी कोई चीज कितना पुरानी है इसकी जो जानकारी लगती है, इसका पता जो लगाया जाता है वो किसके आधार पर लगाया जाता है, C14 रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका टाइम पीरियड निकाला जाता है। और किसने, तो डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने। इसलिए अपने को यह ध्यान रखना है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, 2300 बीसी से 1750 बीसी। किसने दिया है, डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने दिया है। और किस आधार पर दिया है, तो C14 रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर यह टाइम पीरियड इसने बताया है। कहने का मतलब यह है कि 2020 चल रहा है और 2300 ये तो कितने हो गए, लगभग 4300 साल पीछे का टाइम पीरियड अपने पढ़ने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आगे अपने क्वेश्चन करते हैं कि इनके निर्माता कौन थे, इनको बनाया किसने, इनको किसने बिल्ड किया। तो चार प्रजातियों को इसका निर्माता बताया जाता है। नंबर एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नंबर सेकेंड अल्पाइन। नंबर तीन मंगोलियन। और नंबर चार मेडिटेरियन। और मेडिटेरियन को क्या कहा गया है, भूमध्य सागरीय। मेडिटेरियन को क्या कहा गया है, भूमध्य सागरीय कहा गया। तो कितनी प्रजातियों ने मिलकर बनाया, चार प्रजातियों ने मिलकर बनाया है। नंबर एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर दो अल्पाइन, नंबर तीन मंगोलियन और नंबर चार क्या है, मेडिटेरियन। मेडिटेरियन को क्या कहा गया है, भूमध्य सागरीय कहा गया। मेडिटेरियन को क्या कहा गया है, भूमध्य सागरीय कहा गया है। और सबसे ज्यादा नरकंकाल भी इसके मिले हैं मेडिटेरियन के, सर्वाधिक 9 नरकंकाल भी किसके मिले हैं, तो मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय के जो प्रजाति है इसके सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ऑस्ट्रेलिया से, अल्पाइन यूरोप से, मंगोलियन एशिया से, और मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय प्रजाति है यानी कि भूमध्य सागरीय। और सबसे ज्यादा जो नरकंकाल मिले हैं वो किसके मिले हैं, तो किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के मिले हैं। किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के सबसे ज्यादा नरकंकाल मिले हैं। तो यहां पर याद रखने वाली बात कौन सी है अपने पास, कि डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल के अकॉर्डिंग का टाइम पीरियड क्या है, 2300 बीसी से 1750 बीसी। किस आधार पर, तो C14 रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर। और कितनी प्रजातियों को निर्माता बताया गया, चार प्रजातियों को निर्माता बताया गया। नंबर एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर दो अल्पाइन, नंबर तीन मंगोलियन और नंबर चार मेडिटेरियन। अगर अपने से क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा नरकंकाल किसके मिले हैं, तो सबसे ज्यादा नरकंकाल किसके मिले हैं, तो किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के मिले हैं। किसके मिले, मेडिटेरियन के मिले हैं सबसे ज्यादा नरकंकाल। अब अपने पढ़ने जाएंगे इसका विस्तार।
विस्तार, विस्तार मतलब इसका फैलाव कितना था, विस्तार की मतलब इसका फैलाव कितना था। तो देखिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी कि अपना क्वेश्चन ये रहेगा कि उत्तर में इस सभ्यता का लास्ट पॉइंट कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। मेरे साथ साथ चलिएगा, बड़ा आसान है इनको याद करना। उत्तर में जो इस सभ्यता का लास्ट पॉइंट है उसको कहते हैं मांडा। उत्तर में जो लास्ट पॉइंट है उसको क्या है, क्या कहते हैं उसको, मांडा कहते हैं। दक्षिण में जो लास्ट पॉइंट है उसको कहते हैं दैमाबाद। उत्तर में जो लास्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, मांडा कहते हैं। दक्षिण में जो लास्ट पॉइंट है उसको क्या नाम दिया गया है, दैमाबाद नाम दिया गया है। पूर्व में जो लास्ट पॉइंट है उसको कहते हैं आलमगीरपुर। उत्तर में लास्ट पॉइंट कौन सा, मांडा, दक्षिण में कौन सा है दैमाबाद, पूर्व में कौन सा है आलमगीरपुर और पश्चिम में जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है सुतका गेंडोर। पश्चिम में लास्ट पॉइंट कौन सा है, सुतका गेंडोर। तो दोबारा देखिए, उत्तर में लास्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा, दक्षिण में कौन सा है दैमाबाद, पूर्व में कौन सा है आलमगीरपुर और पश्चिम में कौन सा है सुतका गेंडोर है। दोबारा देखिए, उत्तर में लास्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। दक्षिण में लास्ट पॉइंट है दैमाबाद, कहां पर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पूर्व में लास्ट पॉइंट है आलमगीरपुर, कहां पर, यूपी। और पश्चिम में लास्ट पॉइंट है सुतका गेंडोर, कहां पर, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान। दोबारा देखिए, उत्तर में लास्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा, कहां पर है, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में लास्ट पॉइंट कौन सा है, दैमाबाद, कहां पर है, महाराष्ट्र। पूर्व में लास्ट पॉइंट कौन सा है, आलमगीरपुर, कहां पर है, यूपी। और पश्चिम में लास्ट पॉइंट कौन सा है, सुतका गेंडोर, कहां पर है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान में। दोबारा देखिए, उत्तर में लास्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा, नदी कौन सी है, नदी है चिनाब। किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में लास्ट पॉइंट है दैमाबाद, नदी कौन सी है, नदी है प्रवरा। पूर्व में लास्ट पॉइंट है आलमगीरपुर, नदी कौन सी है, नदी है हिंडन। हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में लास्ट पॉइंट है सुतका गेंडोर, जो कि कहां पर है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान। नदी कौन सी है, दासक नदी। किस नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे है। दोबारा देखिए, उत्तर में लास्ट पॉइंट है मांडा, कहां पर है, जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है, चिनाब। दक्षिण में लास्ट पॉइंट है दैमाबाद, कहां पर है, महाराष्ट्र। नदी कौन सी है, प्रबरा। पूर्व में लास्ट पॉइंट है आलमगीरपुर, कहां पर, यूपी। नदी कौन सी है, हिंडन। और पश्चिम में लास्ट पॉइंट है सुतका गेंडोर, कहां पर, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान। और नदी कौन सी है, तो नदी है आपके कौन सी, दासक नदी के किनारे। अब बात करते हैं अपने उत्तर से जो दक्षिण है वो इसकी दूरी कितनी है, तो वो दूरी है इसकी 1400 किलोमीटर। कितनी दूरी है इनकी, 1400 किलोमीटर दूरी है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम की दूरी की अगर बात करेंगे तो दूरी कितनी है, 1600 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 1600 किलोमीटर है। अगर अपने कहें कि भाई इसको क्षेत्रफल निकालिए, और अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1400 × 1600 कितना, 2240000 वर्ग किलोमीटर।
इसका क्षेत्रफल कितना 22,40,000 वर्ग किलोमीटर, परंतु अपने को तो लगभग में चाहिए, तो लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग की अगर बात करें तो लगभग इसका क्षेत्रफल है लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है, 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने संशय व्यक्त किया है कि इतना बड़े साम्राज्य की एक राजधानी नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि आवागमन के जो साधन थे वो बहुत ज्यादा तेज नहीं थे। आवागमन के जो साधन है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, इसीलिए इस भूभाग की एक राजधानी रही हो ऐसा संभव नहीं है। और उन्होंने इसकी दो राजधानियां बताई हैं। कितनी राजधानी बताई उन्होंने? इसकी दो राजधानियां उन्होंने बताई हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं अपने? स्टुअर्ट पिगट की। किसकी बात कर रहे हैं अपने? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने किसको? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, इन दोनों को उसने क्या कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, तो क्या नाम दिया है? जुड़वा राजधानी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जुड़वा राजधानी नाम दिया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो जुड़वा राजधानी किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। दोबारा देखिए, अपने विस्तार अपने कर रहे थे मांडा, दैमाबाद, आलमगीर, पोरबल, सुतका, गेंडोल। क्षेत्रफल इसका 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इस पर संशय व्यक्त किया था किसने? स्टुअर्ट पिगट ने, कि इस पूरे भूभाग की एक राजधानी नहीं रही होगी। उसने बताया कि इस पूरे भूभाग की दो राजधानी रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वो दो राजधानियां इसने कौन कौन सी बताई हैं? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा है इसने? जुड़वा राजधानी कहा है। और आगे क्या कहा है कि हड़प्पा जो है वो राजधानी रही होगी किसकी? उत्तरी क्षेत्र की। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी किसे बताया है? हड़प्पा को बताया है। और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी, दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी किसे बताया? इसने मोहनजोदड़ो को बताया है। किसको बताया है? मोहनजोदड़ो को बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा को कहां की? उत्तरी क्षेत्र की राजधानी बताया है। और मोहनजोदड़ो को किसकी? दक्षिणी क्षेत्र की क्या बताया है? राजधानी बताया है। आगे बढ़ते हैं अपने, और आगे बढ़ते हैं, आगे इनका करेंगे अपने नगर नियोजन। नगर नियोजन यानी कि सिटी प्लान। इनके नगरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि इनके नगर कैसे थे। और जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे आप देखते चलेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे या पहले जो लोग थे वो हमसे कितना ज़्यादा एडवांस थे, जहाँ तक हम आज भी नहीं पहुँच पाए हैं 2020 में। तो देखिए इनकी पहली बात क्या थी, पहली खास बात क्या है इनकी? नगर जो था इनका दो भागों में डिवाइड था। देखिए कैसे, मान के चलो ये इनका कोई शहर है और इसके इन्होंने दो पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? इसके दो पार्ट इन्होंने कर दिए, नंबर एक और नंबर दो। सबसे पहला काम, शहर को इन्होंने दो भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, नंबर एक और नंबर दो। ये वाला जो भाग है ये पूर्वी ओर है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या?
पूर्वी टीला। क्या नाम दे दिया गया इसको? पूर्वी टीला नाम दे दिया गया। ये जो भाग है वो पश्चिम की ओर है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? पश्चिमी टीला। बड़ा सिंपल है, ये पूर्वी साइड है तो इसको नाम दे दिया गया पूर्वी टीला, ये पश्चिमी साइड है तो इसको नाम क्या दे दिया गया? पश्चिमी टीला नाम दे दिया गया। सेकंड स्टेप में जब अपने जाते हैं तो क्या बात पढ़ते हैं कि इनके जो नगर हैं उनको दो भागों में क्या किया, डिवाइड किया है, और आगे वाले स्टेप में अपने इन दोनों भागों को क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट अपने पास ये। देखने से पता लग रहा है अगली जो खास बात है वो क्या है कि पश्चिमी टीला जो है वो पूर्वी टीले के मुकाबले क्षेत्रफल में क्या है? छोटा है। पश्चिमी टीला पूर्वी टीले के मुकाबले क्षेत्रफल में क्या है? छोटा है। दूसरी खास बात ये है कि इसको भर्ती करके ऊंचाई पर बनाया गया है, इसको भर्ती करके ऊंचाई पर बनाया गया। दूसरी खास बात क्या है कि पश्चिमी टीला, पहली बात क्या पढ़ी अपनों ने, पश्चिमी टीला पूर्वी टीले के मुकाबले क्षेत्रफल में छोटा है और ऊंचाई पर बना हुआ है। अगली खास बात क्या है, इसके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार है। इसके चारों ओर क्या थी? एक सुरक्षा दीवार थी जिसको क्या नाम दिया गया है? परकोटा नाम दिया गया। इसको क्या कहा गया है? इसको नाम दिया गया है सुरक्षा दीवार। या परकोटा, सुरक्षा दीवार या परकोटा। और इसमें आने जाने के लिए नॉर्थ और साउथ में क्या थे? रास्ते थे। यानी कि अगर आपको इस भाग में प्रवेश करना है, सेकंड पार्ट में अगर प्रवेश करना है, ये वाला जो भाग है कौन सा है? सेकंड भाग था। और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा था? एक नंबर वाला पार्ट था। ये दो नंबर वाला। दोबारा से देखिए, पश्चिमी टीला पूर्वी टीले के मुकाबले क्षेत्रफल में छोटा, ऊंचाई पर बना हुआ और चारों ओर परकोटे से घिरा हुआ था, और उत्तर और दक्षिण में आने जाने के लिए क्या बने हुए थे? रास्ते बने हुए थे। अगर आप इस भाग में प्रवेश करोगे तो आपको या तो उत्तर से आना पड़ेगा या दक्षिण से आना पड़ेगा। अगर आप इस वाले भाग में प्रवेश करना चाहते हो तो इसका जो प्रवेश द्वार था वो इस ओर था, यानी कि पूर्वी साइड था। यानी कि आप यहां से क्या कर सकते हो? प्रवेश कर सकते हो, पूर्वी साइड से प्रवेश कर सकते हो। आगे देखिए क्या कहा किया गया है कि जो पश्चिमी टीला है इसको आगे जाकर, यहां जाकर नाम दे दिया गया दुर्ग टीला। क्या नाम दे दिया गया इसको? दुर्ग टीला। और ये जो पूर्वी टीला है इसको यहां पर आकर नाम दे दिया गया क्या? नगर टीला। इसको क्या नाम दे दिया गया? पश्चिमी टीले को पूर्वी टीला, पूर्वी टीले को क्या नाम दे दिया गया? नगर टीला नाम दे दिया गया। दोनों की खास बातें, दुर्ग टीला नगर टीले के मुकाबले क्षेत्रफल में छोटा, ऊंचाई पर बना हुआ, चारों ओर सुरक्षा दीवार या परकोटे से घिरा हुआ, और उत्तर और दक्षिण में आने जाने के लिए क्या थे? रास्ते थे। अगर इस फील्ड में आना है आपने तो पूर्वी साइड से अपने को आना पड़ेगा। आगे आइए, अब अपने कमांड विशेषता पढ़ते हैं कि और इनकी क्या क्या खास बात थी। ये इनका कोई नगर था जिसमें सीधी एवं समकोण पर काटती सड़कें। पहली खास बात क्या है कि सीधी एवं समकोण पर काटती क्या थी? सड़कें थी। इस तरीके से सीधी एवं समकोण पर काटती क्या थी? सड़कें थी। तो अगली खास बात क्या पढ़ी है अपनों ने? सीधी एवं समकोण पर काटती सड़कें।
सीधी एवं समकोण प्रकार की क्या थी, सड़कें थी जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं। फिर और क्या खास बात थी, या तो इस ओर से इस तरह से या इस ओर। शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए क्या बनी हुई थी, नालियां बनी हुई थी, या तो इस साइड या इस साइड। शहर के सड़कों के साथ साथ शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए क्या बनी हुई थी, नालियां भी बनी हुई थी। और नालियां किस टाइप से बनी हुई थी इनकी, इस टाइप से बनी हुई थी नालियां। और यहां पर ये ढक्कन से ढकी होती थी। जब यहां से कचरा, जो भारी पदार्थ है, वो यहां पर जमा हो जाता था हौद में, जिसको हौद कहा गया है, और जब इसको साफ करने की जरूरत पड़ती तो इस ढक्कन को यहां से हटाते, कचरे को बाहर निकालते और वापस ढक्कन लगा दिया जाता। और इस तरह से ये नालियां ऊपर से ढकी हुई सुचारू रूप से चलती रहती थी। तो अगली विशेषता क्या पढ़ी है अपनों ने, ऊपर से ढकी हुई नालियां, ऊपर से ढकी नाली, खास बात पक्की ईंटों से बनी हुई, पक्की ईंटों से निर्मित, ऊपर से ढकी हुई थी और पक्की हुई ईंटों से बनी हुई थी। अब आगे बात करते हैं कि ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही शहर बनेगा, और ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न को क्या नाम दिया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम दिया गया है इसको, ग्रिड प्रणाली कहा गया है, ग्रिड प्रणाली, या इसको क्या कहते हैं, चेस बोर्ड पैटर्न, चेस बोर्ड पैटर्न, या तो आप क्या कह सकते हो इसको, ग्रिड प्रणाली कह सकते हो, या क्या कह सकते हो आप इसको, चेस बोर्ड पैटर्न कह सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि इनके जो नगर की बसावट थी वो किस आधार पर थी, तो किस आधार पर थी, चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड प्रणाली पर थी। और क्या खास बात थी, भवन किससे बने हुए थे इनके, यानी कि भवन निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग किया गया, किससे बने हुए थे भवन इनके, ईंटों से बने हुए थे। और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनके घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां, इनके घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां कहां खुलते थे, तो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे लिंक रोड पर खुलते थे। घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क पर, सॉरी, घरों के दरवाजे व खिड़कियां पीछे लिंक रोड पर। हमारे जो घर का मेन दरवाजा होता है वो कहां रखते हैं, अपने मेन रोड पर रखते हैं, परंतु इनकी खास बात यह थी कि इनके घरों के दरवाजे व खिड़कियां कहां थे, पीछे लिंक रोड पर थे, मेन रोड पर नहीं थे। तो क्या क्या बात पढ़ी, पहली बात यह पढ़ी अपनों ने, सीधी एवं समकोण प्रकार की क्या है, सड़कें हैं, ऊपर से ढकी हुई क्या है, इनके नालियां हैं पक्की ईंटों से निर्मित, ग्रिड प्रणाली या चेसबोर्ड पैटर्न पर इनका नगर बसा हुआ था, भवन निर्माण में किसका प्रयोग किया गया, ईंटों का प्रयोग किया गया है, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां कहां खुलते थे, तो पीछे लिंक रोड पर खुलते थे। और अगर बात करें अपने नगर नियोजन की, अगर बात करें अपने किसकी, नगर नियोजन की, तो नगर नियोजन के लिहाज से, नगर नियोजन के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है कौन सी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। नगर नियोजन में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन की अगर बात करें तो विश्व की सबसे सभ्यता कौन सी है, तो अपनी विश्व की सबसे सभ्यता है कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, या क्या कह सकते हैं उसको, हड़प्पा सभ्यता उसको कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधी एवं समकोण प्रकार की क्या थी, सड़कें यहां पर थी,
ग्रिड प्रणाली या चेसबोर्ड पैटर्न, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे लिंक रोड पर खुलते थे और नगर नियोजन में विश्व की क्या है, सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। दोबारा देखिए हमने क्या किया है आज, क्या काम किया है अपनों ने। देखिए यहां से अपनों ने शुरुआत की थी। अगर यहां से अपने बात करें तो ये पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है, जॉन मार्शल ने दिया है और कब दिया है, तो 1924 में दिया है। कब दिया है, 1924 में दिया है। अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन करते जाएंगे सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने दिया है, कब दिया है, तो 1924 में दिया है। और फिर अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है अपने पास कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे, तो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1921 में किसने, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, तो किसकी खोज की, हड़प्पा की। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की है, मोहनजोदड़ो की। ये दोनों किसके डायरेक्शन में काम कर रहे थे, तो जॉन मार्शल के डायरेक्शन में काम कर रहे थे। और जॉन मार्शल ने कब, तो 1924 में। कब की बात कर रहे हैं, 1924 की बात कर रहे हैं। और कहां पर, लंदन वीकली नामक पत्रिका में। कहां पर, लंदन वीकली नामक पत्रिका में सिंधु सभ्यता की क्या की है, इसने विधिवत घोषणा की है। अगर अपने बात करें कि सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले किसने दिया है, तो किसने दिया है, जॉन मार्शल ने दिया है। फिर अपनों ने आगे क्या पढ़ा है आज, अपनों ने किसका समय, इसके समय में आपने ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका क्या टाइम पीरियड बताया है, तो इसका टाइम पीरियड बताया है 2300 बीसी से 1750 बीसी। किस आधार पर, C14 रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर बताया है। इसका टाइम पीरियड कितना, 2300 बीसी से 1750 बीसी। और इसके सबसे ज्यादा नरकंकाल किसके मिले हैं, तो किसके मिले हैं, मेडिटेरियन के मिले हैं। किसके मिले दोस्तों, मेडिटेरियन के मिले हैं। और मेडिटेरियन को क्या कहा गया है, भूमध्य सागरीय कहा गया है। मेडिटेरियन को क्या दिया गया है, भूमध्य सागरीय कहा गया है। नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आपके यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि इसका उत्तर में लास्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर। और किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में लास्ट पॉइंट कौन सा है, दैमाबाद। और किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है। पूरब में लास्ट पॉइंट कौन सा है, आलमगीर जो कि कहां है, यूपी में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में लास्ट पॉइंट कौन सा है, सुतका गेंडोर। ये किस नदी के किनारे है, तो ये दासक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करें अपने, तो 2240000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। जो लगभग की अगर बात करें, तो कितना, 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे अपनों ने पढ़ा, ये भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को रिपीट कर रहा हूं वापस में, कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, तो क्या कहा है, इसको जुड़वा राजधानी कहा है। क्या नाम दिया इसको, जुड़वा राजधानी कहा है इसने। और हड़प्पा को राजधानी बताया है किसकी, उत्तरी क्षेत्र की। और मोहनजोदड़ो को राजधानी बताया है किसकी, दक्षिणी क्षेत्र की। हड़प्पा को किसकी, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी बताया है। और मोहनजोदड़ो को किसकी राजधानी बताया है, दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी बताया है। और ये नाम जुड़वा राजधानी किसने दिया है, स्टुअर्ट पिगट ने दिया है। किसने दिया है, स्टुअर्ट पिगट ने दिया है। फिर अपने नेक्स्ट कर रहे थे इनका नगर नियोजन। नगर नियोजन बड़ा सिंपल है इनका। सबसे पहले अपनों ने बात की है कि नगर को दो भागों में बांट लिया गया है। एक भाग को क्या नाम दिया गया है, तो एक भाग को नाम दिया है क्या, पूर्वी टीला। और दूसरे भाग को नाम दिया है क्या, यहां पर पश्चिमी टीला। फिर इनको आगे अलग अलग कर लिया है, ये एक नंबर वाला पार्ट है। और एक नंबर वाले पार्ट को आगे जाकर नाम दे दिया है क्या, नगर टीला। और ये दो नंबर वाला पार्ट है, इसको क्या नाम दे दिया गया है, इसको नाम दे दिया गया है दुर्ग टीला। इसकी खास बात क्या है, जो दुर्ग टीला है ये क्षेत्रफल में छोटा है, ऊंचाई पर बना हुआ है, चारों ओर इसके सुरक्षा दीवार है, चारों ओर इसके सुरक्षा दीवार या क्या है, परकोटा है। और इसमें आने जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में क्या थे, रास्ते बने हुए थे। नॉर्थ और साउथ से इसमें क्या करते थे, प्रवेश करते थे। और इसमें जो प्रवेश किया जाता था वो पूर्वी साइड से इसमें क्या किया जाता था, प्रवेश किया जाता था। किसमें, नगर टीले में। फिर हमने आगे क्या बात पढ़ी है, कंबाइंड इनकी विशेषता पढ़ी है, सीधी एवं समकोण पर काटती सड़कें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत बार पूछा जाता है। सीधी एवं समकोण प्रकार थी क्या थी, सड़कें थी, ऊपर से ढकी हुई नालियां थी, परंतु किससे बनी हुई, ईंटों से बनी हुई। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रिड प्रणाली। क्या क्वेश्चन है, ग्रिड प्रणाली, किस पैटर्न पर इनका नगर बसा हुआ था, ग्रिड प्रणाली या चेसबोर्ड पैटर्न पर इनका नगर बसा हुआ था। और दूसरी खास बात यह है कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां
कहाँ खुलते थे, तो पीछे लिंक रोड पर खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। और नगर नियोजन के लिहाज से अगर देखें, नगर नियोजन की दृष्टि से देखें, तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता कौन सी है, तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता कौन सी है, अपने सिंधु घाटी सभ्यता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अपना जो ये इंडियन हिस्ट्री की जो अपनों ने क्लास स्टार्ट की है, ये रेगुलर रहेगी, अपने टॉपिक बाई टॉपिक सारे टॉपिकों को अपने कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके रीट, आपके पटवार और आपके राजस्थान पुलिस में अच्छा खासे वेटेज के साथ रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।